बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं अगले वॉइस मैसेज की जानिब। देखते हैं अभी मियाँ वाली के बाद ये गुजरात गुजरात जहरबाद, अच्छा ये वाली है, देखते हैं। जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है वालेकुम सर? सलाम, ठीक बिल्कुल ठाक है ठीक हूँ। सर? मैं रात का बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ सर। प्लीज़ सर, मैंने आपका दिल दुखाया सर। आपके बेटे का क्या हाल है? अल्लाह आपके बेटे को सर्विस से तंदुरुस्ती दे। आमीन अल्लाह। टेंशन की वजह सर मुझे सारी रात नहीं है। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़ सर। नहीं नहीं कोई बात नहीं। क्या सवाल क्या था इनका? सर अगर ना हो लाज करवाए ऐसे रहे तो फिर क्या ये जानवर को दर्द होती है? ये तो उसके लिए नुकसान दे अच्छा वो सड़कन वाला है। सर, टांग थोड़ी सी खींच के चलती है, थोड़ी हाँ सी वो ज्यादा नहीं। सड़कन गौर करें बहुत ज्यादा तो फिर महसूस होता है जाए। इसका थोड़ा सा वो ऑपरेशन करेंगे तो फौरन ठीक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हाँ शुएब जाद है, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा अच्छा सर, ये जो सड़न होती है ये जो है ये बढ़ती जाती है या फिर उतनी रहती है? इसका तो सस्ती मिल रही है भैंस सर, 1.5 लाख की पहले जो थी ये चले बड़ी ठीक। प्यारी सी। तो इस शायद कोई बात नहीं मेरा बेटा, हो जाता है इंसान का। और ये है कि जो नॉर्मली इसका बहुत मामूली सा ऑपरेशन करते हैं तो बिल्कुल ठीक हो। कोई ये समझें कि थोड़ी सी गदूर सी बड़ी होती है उसको उसको काट देते हैं, निकाल देते हैं तो ठीक हो जाती है, टांग बेहतरीन चलती है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर लेकिन चूंकि वो लंगड़ा के चलती हैं, खींच के पांव रखती हैं, तो इसलिए परेशान हो जाते हैं लोग। तो इसलिए परेशान हो जाते हैं लोग। तो आप फिक्र ना करें, अल्लाह फजल करेगा, देखूंगा मैं भी। कोई डॉक्टर उधर हुआ तो उसकी ड्यूटी लगाएंगे, वो ठीक कर देगा इंशाल्लाह। अगर सस्ती मिल रही है और दिल मान रहा है तो ले लें। असल में दिल माने की बात होती है, और जो मौका आ रहा है उससे फायदा उठाएं, अल्लाह फजल करेगा। दुआ करूंगा अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह मसल्ला।